एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर गोभी के कोफ्ते बनाएंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये गोभी ली हुई है और इसको ग्रेट करके रखा हुआ है हमने। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर हल्का सा उसको चॉपर में भी बिल्कुल बारीकी से चॉप एकदम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये टमाटर हमने लिए हुए हैं और टमाटर के साथ में ही हमने 3 से 4 कली लहसुन की और थोड़ी सी अदरक पेस्ट बना के रखा हुआ है। और ये प्याज हमने चॉप करके रखी हुई है, प्याज के साथ में ही हमने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी। और साथ ही साथ हमें चाहिए बेसन और थोड़ा सा मैं यहाँ पे आलू का भी यूज करूंगी। तो सिर्फ एक आलू मैं यूज कर रही हूँ, बॉइल्ड आलू है, मैश करके रखा हुआ है हमने। और हमें चाहिए हरा धनिया और साथ ही साथ मसाले में हमें चाहिए ये तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, कसूरी मेथी, हींग और कुछ मसाले ये और है हमारे पास में, जिसमें कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साबुत जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। तो इस और गोभी में सबसे पहले ये आलू हम डाल देते हैं। और आलू डालने के बाद में अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, तो थोड़ी सी तो हम हींग भी डालेंगे इसमें और साथ ही साथ अब कुछ मसाले इसमें डालते हैं, थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। सभी मसाले थोड़े थोड़े से डाल रही हूँ मैं। और ये गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही हमें डालना है क्योंकि कोफ्ते में इसी हिसाब से हम नमक रखेंगे, क्यों जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ऑलरेडी ग्रेवी में भी हम नमक ऐड करेंगे। और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी हम डालते हैं। और अब इसमें जो है बेसन हमें, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग करनी है, तो बेसन पहले हम थोड़ा बेसन डाल रहे हैं इसमें, तो इसको बाइंड करके हम देख लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये हमने डो रेडी कर लिया है, तो छोटे छोटे से कोफ्ते बनाना हम स्टार्ट करेंगे। आप साइज अपने हिसाब से, जो हम इसकी बॉल्स बना रहे हैं आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मैं ये इस साइज के छोटे छोटे बनाऊंगी, देखिए इस तरह से। तो पहले हम बना बना के इसको रख लेते हैं। और बहुत ही टेस्टी गोभी के कोफ्ते लगते हैं खाने में, बिल्कुल यूनिक एक रेसिपी है, तो सर्दियों के मौसम में आप जरूर इसको ट्राई करें एक बार, बिल्कुल अलग तरह की एक सब्जी बन के रेडी होती है। और कुछ कोफ्ते हमने बना के रेडी किए हैं और मीडियम गैस पे हम इन्हें फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और हमें गैस बहुत ध्यान रखना है, ना बहुत ज्यादा तेज हमें रखना है और ना बहुत ज्यादा धीमे हो। तो एक बार में जितने कोफ्ते इसमें आ जाएंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए कोफ्तों का कलर बहुत ही बढ़िया एकदम आ गया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन जैसा हमें चाहिए था वैसे कलर इसमें हो गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, इसे हम निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। और सेम कढ़ाई में ही जितना एक्सेस ऑयल था वो हमने अलग कर दिया है और थोड़ा ऑयल इसमें डाला हुआ है मैंने। तो सबसे पहले तो ये जीरा डालेंगे, साथ ही साथ ये तेज पत्ता और ये दालचीनी का टुकड़ा भी हम डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ में ये प्याज को हल्का सा हम भूनेंगे। और प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे इसमें। और प्याज भून गई है तो इसमें एक तो हींग हम ऐड करेंगे और साथ ही साथ हल्दी इसमें डालेंगे हम। और हल्दी के साथ में ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड करेंगे।
और इसके बाद में ये जो टमाटर का हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है ये डालेंगे उसमें। और अभी इसमें इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा पकाएंगे, उसके बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और 3-4 मिनट हो गए हैं और टमाटर को हल्का सा हमने पका लिया है और अब इसमें कुछ मसाले हम और ऐड करेंगे। तो ये थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और ये 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और अभी इसको मिक्स करने के बाद में इसमें नमक भी हम ऐड करेंगे और नमक हमें एकदम टेस्ट के हिसाब से डालना है क्योंकि कोफ्ते में भी नमक पड़ा हुआ है तो ग्रेवी में भी अपने हिसाब से ही हमें नमक रखना है। और साथ ही साथ ये जो कसूरी मेथी है इसको भी हल्का सा रब करके इस तरह से क्रश करके डाल देंगे इसमें। और अब इसमें थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे क्योंकि हल्का सा ग्रेवी हमें रखनी है कोफ्ते में, बहुत ज्यादा हमें ग्रेवी नहीं करनी है इसमें। अब हमने इसमें पानी डाल के और इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके 5-6 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो इसे हम कवर कर देते हैं और 5-6 मिनट हो चुके हैं, इसे ओपन कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम कलर भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम कोफ्ते की बढ़िया ग्रेवी बनके बिल्कुल रेडी हुई है। और अब गैस हम धीमे करेंगे और धीमी गैस पे कोफ्ते हम इसमें डाल देंगे। और सभी कोफ्ते डालने के बाद में एक बार हल्के हाथों से बिल्कुल इसको इस तरह से स्टिर करेंगे और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्का सा कवर करेंगे और फिर बाद में हम ओपन कर लेंगे इसे और ये हमारे गोभी के कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और 2 मिनट हो गए हैं तो ओपन कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम देखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं तो खाने में तो और भी ज्यादा टेस्टी होंगे। और ये देखिए हमारे गोभी के कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं तो हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी गोभी के कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।